तो इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा आईएसएल 6 के लिए सभी टीमों का लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, लेटेस्ट रूमर्स और लेटेस्ट ऑफिशियली कंफर्म ट्रांसफर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में, जो कि हर टीम ने कोशिश किया है अपने पुराने खिलाड़ी को रखने के लिए अपने टीम में, और कुछ कंफर्म भी हो चुका है। तो दोस्तों पहला है साहिल अब्दुल सलाम, जो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है केरला ब्लास्टर के साथ। वो अगले 3 साल तक केरला ब्लास्टर के तरफ से ही खेलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अहमद जोद के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो उन्होंने भी एफसी गोवा की तरफ से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। उसके बाद एक केन लुइस, वो भी बेंगलुरु एफसी की तरफ से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। कोरो भी एफसी गोवा के साथ और 1 साल जुड़ा रहेगा, यानी कि 1 साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है कोरो ने भी। उसके बाद दोस्तों है मार्कोस तेवा, जो कि दिल्ली डायनेमोस की तरफ से खेल रहा, तो वो भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है दिल्ली डायनेमोस के साथ। नेक्स्ट जमशेदपुर एफसी की तरफ से तिरी और मिमो, ये दोनों ने ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। दूसरा है दोस्तों जॉन जॉनसन और एडू गार्सिया, जो कि एडी की तरफ से भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट है हुगो बोमा, जो कि एफसी गोवा की तरफ से खेल रहा था और इन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है एफसी गोवा के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों संदेश जिंगन, इनके बारे में आपको बता दिया था, वो अभी भी 4 साल केरला ब्लास्टर की तरफ से खेलेगा, 2023 तक वो मौजूद रहेगा केरला ब्लास्टर के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों लालुमपुया फनाई, जो कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से खेल रहा था और साथ साथ निखिल कदम भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ 1 साल के लिए। शायद मुझे कंफर्मली नहीं पता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है 1 साल के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट एक और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है, कल ही हुआ है, बेंगलुरु एफसी का दिमास डेलगाडो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। सॉरी दोस्तों कल नहीं, बहुत पहले हो चुका था। तो दिमास डेलगाडो ने भी बेंगलुरु एफसी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। नेक्स्ट आपको जो भी अपडेट आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड से जुड़े, मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट रूमर्स के बारे में। तो पहला लेटेस्ट रूमर्स है दोस्तों चेन्नई एफसी का इशाक वर्मा समझ जा सकता है जमशेदपुर एफसी में। जमशेदपुर एफसी उनके साथ बात चला रहा है और शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा जमशेदपुर एफसी के साथ, और नेक्स्ट कुछ दिन बाद ही ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का ग्रेगरी, ये भी जा सकता है मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी ग्रेगरी से बात चला रहा है और शायद उनका भी डील हो जाएगा मुंबई सिटी एफसी से, और कुछ दिन बाद आपको फिर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। इससे पहले रॉलिन बॉर्जेस को भी ले लिया है मुंबई सिटी एफसी ने नॉर्थ यूनाइटेड एफसी से, अब ग्रेगरी के ऊपर नजर दे रहा है। उसके बाद दोस्तों लंजारोटे के बारे में एक रूमर्स फैला हुआ है कि वो एटीके से शायद बाहर जा सकता है, क्योंकि दोस्तों एटीके का जो नया हेड कोच आया है हबास, उन्होंने कहा है कि लंजारोटे उनके प्लान में नहीं है। तो ऐसा रूमर्स फैला हुआ है कि एटीके से लंजारोटे बाहर हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ ऑफिशियली नहीं आया है। जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली डायनामोज एफसी के जुईवर लोन केरला ब्लास्टर में जा सकता है। केरला ब्लास्टर उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है और शायद वो चला भी जाएगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है केरला ब्लास्टर के साथ, और ऑफिशियली कुछ दिन बाद आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का सीतासन के ऊपर भी केरला ब्लास्टर अब नजर दे रहा है, तो केरला ब्लास्टर के साथ सत्यशयन का भी हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ दिन बाद आपको ऑफिशियल भी देखने को मिलेगा। जब हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद नेक्स्ट रूमर्स है दोस्तों केरला ब्लास्टर का स्टार गोलकीपर, पिछले साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था धीराज सिंह, वो जा सकता है एटीके में, क्योंकि दोस्तों एटीके ने अपना जो गोलकीपर था देवजीत मजुमदार उनको रिलीज कर दिया है और चला गया है मोहन वर्मा, और उनके जगह शायद धीराज सिंह को ले सकता है। मुझे लग रहा है कि 90% कन्फर्म हो चुका है और कुछ दिन बाद आपको ऑफिशियल भी देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दिल्ली डायनामोज एफसी के डेविला जा सकता है फीफा के वर्ल्ड कप साइड, एक क्लब है सीडी ग्वाडालाजारा इस क्लब में। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एटी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एटी के कुछ स्ट्राइकर के ऊपर नज़र दे रहा है, जैसा कि दोस्तों फिजियन स्ट्राइकर रॉय कृष्णा के ऊपर नज़र दे रहा है एटी के। उसके बाद दोस्तों डेविड विलियम के ऊपर भी एटी के नज़र दे रहा है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर है। और कल मुझे एक और बात पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक मिडफील्डर है डारियो विडोसिच, इनके ऊपर भी नजर दे रहा है एटीके। आपको इन तीनों खिलाड़ी के बारे में एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, और एटीके का जो स्ट्राइकर प्रॉब्लम चल रहा था पिछले सीजन, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको ज्यादा कुछ इन सभी के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, एक लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगा एटीके के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट ऑफिशियली कंफर्म ट्रांसफर के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं फटाफट।
तो दोस्तों कल ही एक लेटेस्ट कंफर्म ऑफिशियली ट्रांसफर न्यूज आया है, जो कि दोस्तों नॉर्थ एफसी से बर्थली में ओबेच अब चला गया है केरला ब्लास्टर में, मैंने आपको कल ही बता दिया था। उसके बाद दोस्तों मारियो आर्क्यूस जो कि जमतपुर एफसी की तरफ से खेल रहा था, ये भी चला गया है ऑफिशियली केरला ब्लास्टर में। एफसी पुणे सिटी का मात मिल्स, वो भी इंग्लैंड का एक लीग साइड क्लब है, फॉरेस्ट ग्रीन रोवर इनके तरफ से अब खेलेगा और एफसी पुणे सिटी को छोड़ दिया है। नेक्स्ट दोस्तों माइकल सोसाई जो कि जौनपुर एफसी से एटीके में चला गया है, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था। और दोस्तों साथ साथ जौनपुर एफसी का स्पेशल एक वीडियो आपको मैंने बताया था कि जौनपुर एफसी का कौन कौन बाहर गया है, कौन कौन नया साइन हुआ है, आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, तो जौनपुर एफसी के बारे में आपको पूरा पूरा ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों रॉबिन बॉर्जेस, ये भी ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि वो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी से मुंबई सिटी एफसी में चला गया है, कल ही ऑफिशियली हुआ है, कल नहीं दो दिन पहले हुआ है, मुझे डेट पता नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एक और कंफर्म न्यूज आया है, जो कि चर्चिल ब्रदर्स का स्टार खिलाड़ी वेन ओवज, वो भी अब चला आया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में और नेक्स्ट सीजन वो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से खेलेगा। इससे पहले उन्होंने एफसी पुणे सिटी की तरफ से खेला था 2017-18 के सीजन में। उसके बाद दोस्तों वोइथंग को रिलीज कर दिया है बेंगलुरु एफसी ने ईस्ट बंगाल में, और अब वोइथंग बेंगलुरु एफसी से जुड़ा नहीं है, वो चला गया है ईस्ट बंगाल में और आई लीग में वो खेलेगा। तो ये तो था आईएसएल 6 से जुड़े कुछ लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, लेटेस्ट रूमर्स और लेटेस्ट कन्फर्म साइनिंग। और दोस्तों आप अगर आईएसएल 6 के सभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, सभी रूमर्स, सभी न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप उस वहाँ पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख लीजिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है अभी आईएसएल 6 के लिए तैयारी हर टीमों में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले, आईएसएल से जुड़े, इंडियन फुटबॉल से जुड़े। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।